हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट फैमिली के बारे में, पिपरेसी। इसमें तीन और चार बहुत इम्पोर्टेंट मेंबर्स हैं हमारे लिए। हम सब परिचित हैं दो चीजों से खास तौर से। एक तो पाइपर नाइग्रम, जैसे हम काली मिर्च कहते हैं, ब्लैक पेपर। दूसरा हम लोग जानते हैं पान के बारे में, पाइपर बीटल, जिसे बीटल पेपर कहते हैं, या आप देख सकते हैं पान के पत्ते। दो बहुत ही मेडिसिनल इंपॉर्टेंट प्लांट, पी क्यूबेबा, शीतल चीनी या कबाब चीनी इसे कहते हैं, ये देखिए। और चौथा बहुत इंपॉर्टेंट है, आयुर्वेद में बहुत ज्यादा यूज होता है, पाइपर लौंगम, इसे लौंग पीपल कहते हैं, और खास चीज है इसको पीपला मूल कहते हैं। ये सब फ्रूट ही है, 1, 2 एंड 3। फ्रूट्स आर यूजफुल, बट इन द केस ऑफ बीटल पेपर वी यूज देयर लीव्स फॉर च्यूइंग मास्टिकेशन। अगर हम बैंथम हुकर के क्लासिफिकेशन को देखें ध्यान से, तो बैंथम हुकर ने फैमिली पाइपरेसी को रखा है सब क्लास मोनोक्लेमाइडी में, और इसको सीरीज दी है माइक्रेम्ब्री, जबकि हचिंसन ने इसको हर्बेसी के अंडर में पिपरेल्स में रखा है। खास चीज देखने वाली यह है कि जो इसका इन्फ्लोरेसेंस है वो ज्यादातर या तो कैटकिन लाइक है या स्पाइक है। यू कैन सी हेयर बोथ इन्फ्लोरेसेंस एंड इन बोथ केसेस देयर इज नो पेडिसिल। सेसाइल फ्लावर्स एंड दे मोडिफाई इन टू फ्रूट्स, यू कैन सी हेयर, यू कैन सी हेयर एंड हेयर ऑल्सो। फ्लावर्स आर नेकेड, विच आर ऑफन मोर और लेस संक इन द फ्लैशी एक्सिस ऑफ द इन्फ्लोरेसेंस ऑन विच दे आर क्लोजली अरेन्ज्ड। ब्रेक्ट से ये क्लोज रहते हैं कभी कभार। खास तौर से बात इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें कैलिक्स और करोला नहीं होते, इसीलिए इनको नेकेड फ्लावर्स कहा गया है। इसलिए आप देखिए पेरियंथ को हमने क्या कर दिया है, जीरो कर दिया है। अगर हम एंड्रोशियम को देखें, द नंबर ऑफ स्टेमेंस वेरीज फ्रॉम 1 to 10 एज मेंशनड हियर। मोस्ट ऑफ द फ्लावर्स आर ट्राइमेरस टाइप हैविंग टू रोल्स, 3 स्टेमेंस इन ईच, एंड गाइनेशियम हैज नंबर ऑफ कार्पल्स 2 to 5। ओवरी इज सुपीरियर, 1 चैम्बर्ड विद ए सॉलिटरी बेसल ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। एक ओव्यूल में, सॉरी, एक ओवरी में एक ही ओव्यूल है। स्टाइल अब्सेंट होता है। इन पाइपर द स्टिग्मास आर एज मेनी इन नंबर एज इन द कार्पल्स, इन पिप्रोमिया द स्टिग्मा इज सिंपल ऑफ एन ब्रश लाइक एंड लेटरल। पिप्रोमिया भी इसी का मेंबर है और फोलियज में यूज होता है। सीड्स जो हैं वो एंडोस्पर्मिक हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात, और एम्ब्रियो जो होता है वो माइन्यूट होता है। इसीलिए शायद बेंथम हुकर ने इसको माइकेम्ब्री में रखा मोनोक्लेमाइडी के अंडर में। सो दीज आर द सम इंपॉर्टेंट करेक्टर्स अबाउट फैमिली पिपरेसी एंड मोस्ट ऑफ द मेडिसिनल प्लांट्स एंड मास्टिकेटरी। पान बीटल बिलोंग टू इट। थैंक यू।